बालाघाट से निकली गौरव यात्रा डिंडौरी पहुंची, जहां यात्रा का स्वागत हुआ। गौरव यात्रा की अगुवाही कर रहे केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कलेक्ट्रेट चौराहा में रानी दुर्गावती की प्रतिमा का पूजन अर्चन कर माल्यार्पण किया। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि गोंडवाना साम्राज्य और इसके इतिहास को जानने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गौरव यात्रा निकाली जा रही है। गोंडवाना साम्राज्य का इतिहास वीरों की शौर्य गाथा से भरा हुआ है, जिसमें से एक वीरांगना रानी दुर्गावती हैं, जिनको याद करते हुए प्रदेश के चार स्थानों और एक यात्रा उत्तर प्रदेश से निकाली गई है। सभी पांचों यात्राओं का समापन 27 जून 2023 को शहडोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में किया जाएगा। आज इस यात्रा का तीसरा दिन है, हम डिंडौरी में यहाँ गाड़ा खरीद पहुंचे। ऐसा ही एक यात्रा छिंदवाड़ा से चलकर के वो भी शहडोल पहुंचेंगे। तीसरी जो यात्रा है रानी दुर्गावती का, जो शादी के बाद संग्रामपुर में काफी समय उन्हें गुजारा, उस स्थान से तीसरी यात्रा है। चौथी जो हमारी यात्रा है धोनी, जैसे गोंडवाना का गढ़ मानते हैं, उसमें 52 गढ़ों में से एक गढ़ धोनी भी है सीधी जिले में, वहाँ से एक यात्रा चल रही है। और पांचवी यात्रा रानी दुर्गावती का जो जन्म स्थान है कर रहे हैं, ऐसे पांच यात्राएं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हम लोग सहयोगी साथी के रूप में इसमें काम कर रहे हैं, साथ में चल रहे हैं। रानी दुर्गावती के इतिहास को, उसके स्वर्णीयता को लोग जाने, ये इसके पीछे हमारा उद्देश्य है। और सरकार ने इस यात्रा का अगर निर्णय किया है तो हमको खुशी होती है कि कम से कम एक सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज जी ने ऐसा निर्णय किया। तो मैं तो पूरे समाज से भी बहुत जगह सार्वजनिक तौर से कहता हूँ कि बधाई देना चाहिए सरकार को, एक बहुत क्रांतिकारी निर्णय सरकार ने किया है इस यात्रा के माध्यम से, यह हमारा लक्ष्य है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।